आई वेलकम यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एराइज एकेडमी। सो बेटा, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को बताने के लिए चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहले क्वांटम नंबर को हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड को क्या बोला था बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड को क्या बोला था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ को क्या बोला था? स्पिन क्वांटम नंबर्स। सो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात किया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एन से। और एन का वैल्यू कहाँ स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4। क्या एन इज इक्वल टू जीरो हो सकता है? नहीं, आपने देखा था बेटा। दूसरा, आपने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो ऑर्बिट क्या होगा? 1। अगर ऑर्बिट में आपको बताना होगा कि सेल कौन सा है तो आप बता सकते हो, n इज इक्वल टू 1 होगा तो के सेल, n इज इक्वल टू 2 होगा तो एल सेल, n इज इक्वल टू 3 होगा एम, एन, ओ, पी, आपने इस तरीके से देखा था। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ सेल बता सकते हो, सेल का क्या नाम होगा, और उस सेल में कितने सब सेल होंगे हम ये भी बता सकते हैं, या नंबर ऑफ ऑर्बिट में कितने सब सेल होंगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो सब सेल कितना होगा? 1। सेकेंड है तो 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो 4, 5 है तो 5, एस पी डी एफ। फिर अगर उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपको दिया है तो आप उसमें ऑर्बिटल्स बता सकते हो, जिसका फॉर्मूला था एन स्क्वायर, है ना, कि 1 का 1 स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर, 4, 3 का 3 स्क्वायर्स। और इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो फार्मूला क्या था? 2n स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक बातें हमारे पास हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको बताना हो कि जो ऑर्बिट दिया हुआ है बेटा, है ना, उस ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ध्यान से देखो, मैंने लिखा हुआ है 1s, मैंने लिखा हुआ है 2s, मैंने लिखा है 3s, मैंने क्या लिखा है? 4s। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं बेटा? नंबर्स। ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिट को। किसको? ऑर्बिट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो ये एन का वैल्यू, किसका वैल्यू है? एन का। एन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो हमें बताना हो कि भाई किस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है? 4। इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हुआ? 4s का। उसके बाद किसका हुआ? 3s का। उसके बाद 2s का। उसके बाद 1s का। ऐसे ही आपके पास लिखा है 2p, 3p, 4p एंड 5p। पूछा जाए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। सबसे ज़्यादा किसका होगा? 5p, फिर 4p, फिर 3p, है ना। आपके पास दिया हो बेटा 3d, और क्या दिया हो? 4d, और क्या दिया हो? 5d, और क्या दिया हो? 6d। तो आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को। सो आपसे पूछा जाए किस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का, उसके बाद 3 का। तो आपको इतनी पॉइंट्स मालूम है ना। पॉइंट्स कैसे मालूम है? कि अगर आपके पास ऑर्बिट दिया हुआ है और पूछा जाए कि भाई जो ऑर्बिट दिया हुआ है उस ऑर्बिट में, ठीक है ना बेटा, उस ऑर्बिट में एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखो अगर आपके पास n वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा बेटा? n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के बारे में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हुई है ना बेटा, कि अगर ऑर्बिट हमारे पास दिया है तो उसके बेसिस पे कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखो हमारे पास सबसेल क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट। सबसेल क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट। एस पी डी एफ क्या होता है? कॉन्स्टेंट। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया होगा उसके बेसिस पे हम एनर्जी यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही होगी तो एनर्जी भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप बोलोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस लिए यूज होता है, तो आप बताओगे इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को यूज करता है, मतलब फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। तो पहले आपने देखा था कि भाई जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम सेल बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वजह से ऑर्बिट में हम सब सेल बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट भी बताते हैं कि किसका एनर्जी ज़्यादा होगा किसका एनर्जी कम होगा। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा हमारे पास, तो आप बोलोगे उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा आपके पास बेटा, ध्यान से देखो उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा एनर्जी। और हमने सेल भी लिखा था ना, सेल जैसे हमने लिखा था के सेल, फिर एल सेल, फिर एम सेल, फिर एन सेल, है ना। और ये सेल के लिए हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लिखा था, ठीक है ना। ये सेल दिया, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या था, 1, इसके लिए क्या था, 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। अगर हमें बताना हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा तो फार्मूला क्या था, 2n2। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, यहाँ कितना होगा बेटा, 8, यहाँ कितना होगा, 18, और यहाँ कितना होगा, 32। अब ध्यान सकते हो ना कि हमारे पास अगर कोई सेल दिया हुआ है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बचाना हो तो फार्मूला क्या होगा, 2n2, 2, 8, 18, 32। यहाँ तक पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इससे बहुत सी बातें पिछले क्लास की थी। आज आपको एक नया पॉइंट मिला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज यूज टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट उतना ही ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है, चलो वीडियो को पॉज करो सभी लोग, और पॉज करने के बाद इसको रफ करो बेटा सभी लोग। तो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप सभी बच्चा बता सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या क्या निकालते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आज हम शुरू करने वाले हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, सो आप बोलोगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। और जो वैल्यू ऑफ एल होगा, है ना, वैल्यू ऑफ एल अगर ये हमें बताना हो, सो वैल्यू ऑफ एल बताने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखो बेटा वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n दिया है तो वैल्यू ऑफ l क्या हो सकता है, लिखा गया बेटा इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n, कितना दिया है n, तो उस केस में वैल्यू ऑफ l क्या होगा, वैल्यू ऑफ l will be n-1, n-2, n-3 up to n-m तक लिखना होगा। मतलब अगर हमें ये बताना हो कि भाई L का वैल्यू क्या होगा, तो L का वैल्यू डिटरमाइन किसके बेसिस पे किया जाएगा बेटा, इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n दिया है तो L का वैल्यू क्या होगा, n-1 होगा, n-2 होगा, n-3 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा, n-n तक लिख सकते हैं। मतलब ये आपका पास होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L, दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L, और ये क्या होगा बेटा मिनिमम, दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ L। एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या लिखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हमें बताना है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला मैंने लिखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना है, 1, कितना बेटा 1, तो आप एजीमुथल का बताओगे तो आप लिखोगे 1-1, सबसे पहले क्या लिखोगे 1-1, तो आप लिखोगे 1-1 का मतलब क्या हुआ 0। अब 0 से कम नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने सेकेंड लिखा बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, कितना है 3, तो आप इसको माइनस करते जाओ 0 तक लिखना है। सो 3 में से एक गया कितना बचा 2, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 3 में से 3 गया कितना बचा 0। बेटा मान लो हमारे पास थर्ड में दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है 5, हमें निकालना है L का वैल्यू क्या होगा, तो -1 करो, फिर -2 करो, फिर -3 करो, फिर -4 करो, फिर -5,
एन माइनस एन तक लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फाइव में से एक गया फोर, फिर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, थ्री टू वन जीरो, मतलब कोई भी दिया जाए हम लिख सकते हैं ना। मान लो आपके पास दिया गया बेटा सेवन, कितना दिया गया सेवन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना दिया है सेवन, बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, सिक्स सेवन से कम क्या हो गया सिक्स, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, और फिर क्या होगा जीरो। मतलब अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो क्या बच्चा आप सभी लोग ये फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग कितना हमारे पास वैल्यू होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर का। वो पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रहा है कि बेटा एन इज नेवर इक्वल टू एल, एन कभी भी एल के इक्वल नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है जीरो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री है तो देखो ये टू है, क्या कभी भी इक्वल है क्या, नहीं। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर से ज्यादा है क्या, देखो यहाँ पे थ्री है तो ये हमेशा क्या है कम, अगर यहाँ फाइव है तो क्या है कम है, फोर है, ये सिक्स है, सेवन है, कितना हुआ सिक्स। इसका मतलब दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट है एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन, एन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा एल से क्या होगा बेटा ग्रेटर होगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हो आप लोग एल इज ऑलवेज लेस देन एन, एल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा लेस देन एन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा आपके पास मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एल विल बी जीरो, एल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, लेकिन क्या एन का वैल्यू जीरो था, नहीं, एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता लेकिन एल का वैल्यू जीरो हो सकता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बाय यूजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2l प्लस 1, हमेशा किसके इक्वल होगा 2l प्लस 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 2l प्लस 1। अगर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है तो आप ये बता सकते हो कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा 2l प्लस 1। अगर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है तो आप ये बता सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या है 2 इंटू 2l प्लस 1, क्या होगा बेटा 2 इंटू 2l प्लस 1। मतलब कि हमें इतना मालूम है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, हमें ये भी मालूम है बेटा कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स दिया है तो हम बता सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हैं। तो आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, क्या फॉर्मूला होगा 2 इंटू 2l प्लस 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बाय यूजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखना होगा तो क्या लिखोगे 2l प्लस 1। ये पॉइंट्स हमारे सामने लिखा हुआ है। तो आपसे अगर पॉइंट्स पूछा जाए कि ऑर्बिटल्स बताओ कितना होगा, ये बताओ कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। देखो मान लो मेरे पास अगर l का वैल्यू दिया है ना, तो हम बता सकते हैं कि सब सेल कौन सा होगा, सब सेल का नेम हम बता सकते हैं बेटा। जैसे अगर l इज इक्वल टू जीरो है तो सब सेल का नाम क्या होगा s, अगर l इज इक्वल टू वन है तो सब सेल का नाम क्या होगा p, अगर l इज इक्वल टू टू है तो सब सेल का नाम क्या होगा d, अगर l इज इक्वल टू थ्री है तो सब सेल का नाम क्या होगा f, अगर l इज इक्वल टू फोर है तो सब सेल का नाम क्या होगा g। मतलब l इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट s सब सेल, l इज इक्वल टू वन रिप्रेजेंट p सब सेल, l इज इक्वल टू टू रिप्रेजेंट d सब सेल, l इज इक्वल टू थ्री रिप्रेजेंट f सब सेल, l इज इक्वल टू फोर रिप्रेजेंट g सब सेल, है ना। तो आपको इतने पॉइंट सभी लोगों को क्लियर होगा। सो फटाफट वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद बेटा नोट करो, सबसे पहला कि आप एजीमुथल क्वांटम नंबर्स कैसे निकालोगे, सो दैट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, नहीं। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, यस।
एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज करते हुए ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे, 2L प्लस 1 एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2L प्लस 1। अगर L इज इक्वल टू 0 होगा तो कौन सा सबसेल S, L इज इक्वल टू 1 होगा तो कौन सा सबसेल P, L इज इक्वल टू 2 होगा तो कौन सा सबसेल D, L इज इक्वल टू 3 होगा तो कौन सा सबसेल F, L इज इक्वल टू 4 होगा तो कौन सा सबसेल G। ये पॉइंट्स हमारे पास लिखे गए हैं और ये पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर होने चाहिए। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास ये एल का वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द सबसेल, क्या लिखेंगे नेम ऑफ द सबसेल। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्बिटल्स, क्या लिखेंगे ऑर्बिटल इन सबसेल, ऑर्बिटल इन सबसेल। और यहाँ पे लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल, कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं। देखो अगर हमारे पास इसका फार्मूला पूछा जाएगा तो 2L प्लस 1 लिखेंगे, अगर हमारे पास इसका फार्मूला पूछा जाएगा तो 2 इंटू 2L प्लस 1 लिखेंगे इन द सबसेल। चलो देखते हैं वैल्यू क्या दिया है। सबसे पहला फर्स्ट वन L इज इक्वल टू 0, सेकेंड L इज इक्वल टू 1, थर्ड L इज इक्वल टू 3, सॉरी L इज इक्वल टू 2, फोर्थ L इज इक्वल टू 3, फिफ्थ L इज इक्वल टू G। ये L का वैल्यू दिया है। अगर 0 होगा तो कौन सा सबसेल S, 1 होगा तो कौन सा सबसेल P, 2 होगा तो कौन सा सबसेल D, 3 होगा तो कौन सा सबसेल F, G होगा तो कौन सा सबसेल, सॉरी G लिख दिया, अगर 4 होगा तो कौन सा सबसेल G, हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल्स, ऑर्बिटल इन सबसेल्स कितने नंबर होंगे ऑर्बिटल्स ऑफ द सबसेल के, है ना। वैसे यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल। चलो यहाँ फॉर्मूला क्या है, 2L प्लस 1, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या लिखना है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना वैल्यू हो गया 1, यहाँ कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। यहाँ कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया 7, यहाँ कितना हुआ 2 इंटू 4 प्लस 1 कितना वैल्यू हो गया 9। तो भाई अगर हमारे पास L इज इक्वल टू 0 है तो S सबसेल है, S सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं 1, P में कितना है 3, D में कितना है 5, F में कितना है 7, G में कितना है बेटा, सो आप बोलोगे G में 9 है टोटल, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना वैल्यू आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा टोटल। यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा टोटल, लगा दूँ क्या मैं डायरेक्ट, फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। कैसे वैल्यू रखूँगा बेटा, ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा D में, तो D के लिए लिखो 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 टू 6 प्लस 1 7 कितना हो गया 14, यहाँ पे बेटा 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, सो 2 इंटू 4 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 18। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमसे पूछा जाए किसी सबसेल में, तो हम बता सकते हैं एफ सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, पी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, डी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, S में कितना होगा 14 और G में कितना होगा 18। दिस वन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, ये सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताते हैं। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10, F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 14, G में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18, S में कितने ऑर्बिटल होंगे 1, P में कितने ऑर्बिटल होंगे 3, D में कितने होंगे 5, F में कितना होगा 7, G में कितना होगा 9। सो दिस वन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है तो हमें बता सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो दो चीज़ों में डिफरेंट रखना है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसमें पूछा जाए सेल कितना, सब सेल कितना होगा, तो फार्मूला था एन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो 2n स्क्वायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर सबसेल में पूछा जाए, सबसेल किससे डिटरमाइन किया जाता है, L से डिटरमाइन किया जाता है। सो पूछा जाए कि भाई L जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो फार्मूला होगा 2L प्लस 1। पूछा जाए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फार्मूला क्या होगा बेटा 2 इंटू 2L प्लस 1।
सो सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम किसको यूज करेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए किसको यूज करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को। तो बेटा वीडियो को सभी लोग पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको नोट करो। तो आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हमने स्टार्ट किया, और एजीमुथल क्वांटम नंबर से स्टार्ट किया तो हमने देखा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमारे पास था हम उससे सबसेल पता करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं, ठीक है ना। सो इसका मतलब है कि आप लिखोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इज यूज्ड, नंबर इज यूज्ड टू फाइंड आउट, इज यूज्ड टू फाइंड आउट सब सेल, इज फाइंड आउट सब सेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू फाइंड आउट सब सेल। अगर सब सेल पता करना होगा तो उसके लिए कौन सा क्वांटम नंबर यूज होगा बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल, सब सेल इज डिटरमाइंड बाई, डिटरमाइंड बाई एल, इज डिटरमाइंड बाई एल, और इसका फॉर्मूला क्या था? 2L+1, आपने देखा था। थर्ड बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, इन सब सेल इज डिटरमाइंड बाई, इज डिटरमाइंड बाई, इज डिटरमाइंड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल इज डिटरमाइंड बाई एल, जिसका फॉर्मूला क्या था? 2 × 2L+1। और अगर s आता है तो l का वैल्यू क्या होगा? 0। p आता है तो l का वैल्यू क्या होगा? 1। d आता है तो l का वैल्यू कितना होगा? 2। f आता है तो l का वैल्यू कितना होगा? 3। g आता है तो l का वैल्यू कितना होगा? 4। तो अगर हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन हो, है ना, किसी सबसेल का और वाइटल्स का प्रेजेंटेशन, तो हमें बता सकते हैं कि वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब इंटीजर वैल्यू जो लिखा जाएगा, है ना। जैसे मान लो हमारे पास लिखा गया 2s, हमारे पास लिखा गया 3p, हमारे पास लिखा गया 4d, हमारे पास क्या लिखा गया? 5f। हमें यहाँ पे वैल्यू बताना है बेटा, ध्यान से देखो, किसका किसका वैल्यू बताना है? एक तो वैल्यू बताना है n का और किसका बताना है? l का। सिमिलरली यहाँ पे n का और किसका? l का। सिमिलरली यहाँ पे n का और किसका? l का। सिमिलरली यहाँ पे n का और किसका? l का। अब ध्यान से देखो, ये 2 है ना, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2। s के लिए l का वैल्यू कितना हो गया? 0। यहाँ पे 3 है तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू कितना हो गया? p के लिए 1। वैसे बेटा n का वैल्यू कितना होगा? 4। d के लिए l का वैल्यू कितना होगा? 2। यहाँ पे 5 n का वैल्यू कितना हो गया? 5। l का वैल्यू कितना होगा? 3। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग क्वेश्चंस है। अगर हमें कोई भी सब सेल दिया जाए और उस सब सेल का पूछा जाए, बताओ भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, या उस सब सेल का हमसे पूछा जाए बताओ l का वैल्यू कितना है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। जो नंबर लिखा होगा सब सेल के पहले वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? सो आप बोलोगे वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को। दूसरा, जो सब सेल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू ऑफ l। अगर l इज इक्वल टू 0 था, देखो l इज इक्वल टू अगर हमने 0 लिखा था तो ये किसको रिप्रेजेंट किया था? s को। अगर l इज इक्वल टू 1 लिखा था तो ये किसको रिप्रेजेंट किया था? p को। अगर l इज इक्वल टू 2 लिखा था तो किसको रिप्रेजेंट किया था? d को। अगर l इज इक्वल टू 3 लिखा था तो किसको रिप्रेजेंट किया था? f को। अगर l इज इक्वल टू 4 लिखा था तो किसको रिप्रेजेंट किया था? g को। तो अगर हमारे पास कुछ भी लिखा जाएगा ऐसे सब सेल और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, सो क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा? यस, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एन का वैल्यू, एल का वैल्यू हम आसानी के साथ देख सकते हैं यहाँ पे और उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतने पॉइंट सभी लोगों को क्लियर होंगे। तो अगर मैं इसका कोई और क्वेश्चन लिखूँ तो आप सभी लोग बता सकते हो एन का वैल्यू और एल का वैल्यू क्या होगा? चलो चेक करते हैं। मैंने लिखा हुआ है बेटा, एक आपके पास दे दिया 4p, एक दिया 4f और एक दिया 3 आपके पास d। अब आपको बताना है कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा।
यहाँ पे बताना है n का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे बताना है n का वैल्यू क्या होगा और l का वैल्यू क्या होगा। तो बताओ पहले वाले में n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4। अगर p है तो l का वैल्यू कितना होगा, 1। यहाँ देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 4। f है तो l का वैल्यू कितना होगा, 3। यहाँ कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू 3, और अगर l पूछा जाए d के लिए कितना होगा, 2। मतलब कोई भी ऐसे सबसेल बनाया जाए तो बच्चों आप सभी लोग ये बता सकते हो कि n का वैल्यू क्या होगा और l का वैल्यू क्या होगा बाय यूजिंग द गिवन सबसेल। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप सभी लोग ये बता सकते हो कि क्या होगा n का वैल्यू और क्या होगा l का वैल्यू। इसमें मेरे किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लो। सो l इज इक्वल टू 0 मतलब s सब सेल, l इज इक्वल टू 1 मतलब p सब सेल, l इज इक्वल टू 2 मतलब d सब सेल, L इज इक्वल टू 3 का मतलब F सब सेल। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, आपके पास N का वैल्यू दिया गया, आपके पास L का वैल्यू दिया गया, आपको बताना है नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल कौन सा सब सेल होने वाला है ना। देखो ध्यान से, पहले में वैल्यू दिया गया ये 2 और ये क्या दिया गया आपके पास 3, ठीक है ना। दूसरा सॉरी यहाँ पे दिया गया बेटा 1, नेक्स्ट बेटा सेकेंड यहाँ पे दिया गया 3 और यहाँ पे दिया गया 2, थर्ड बेटा आपके पास यहाँ पे दिया गया 4 और यहाँ पे दिया गया 4, थर्ड बेटा फोर्थ वन देखो ध्यान से, फोर्थ दिया गया n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ दिया गया बेटा n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। चलो पांच क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि n इज इक्वल टू 2 है मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे 2, l इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे p, मतलब इसका नाम क्या होगा 2p। बट एक चीज ध्यान रखना आपको, कंडीशन मैंने लिखवाया हुआ है, क्या कंडीशन लिखवाया हुआ है, n कैन नेवर बी इक्वल टू l, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, मतलब l कैन नॉट बी ग्रेटर देन l, ध्यान रखना ठीक है ना, l कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकता। सबसे पहले देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो हमने 3 लिख दिया, l इज इक्वल टू 2 लिखा है तो हमने क्या लिख दिया d लिख दिया, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है 3d। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू क्या है 4, क्या n और l कभी भी इक्वल हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता है। n कैन नॉट बी इक्वल टू l मतलब नो सब सेल, हम बोलेंगे नो सब सेल, ऐसा कोई सब सेल पॉसिबल नहीं है जहाँ पे n और l का वैल्यू क्या हो सेम। यहाँ पे n स्मॉल है l ग्रेटर है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि n का वैल्यू हमेशा l से क्या होना चाहिए ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे कौन ग्रेटर है बेटा n, तो आप यहाँ पे भी लिखोगे नो सब सेल, ऐसा कोई सब सेल पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2, ग्रेटर है इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये 5 हो गया और 2 का मतलब क्या हो गया d हो गया। तो आप ध्यान रखना कि पूछा जाए कौन सा सब सेल एग्जिस्ट नहीं करता, तो वही सब सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ पे n का वैल्यू और l का वैल्यू इक्वल हो जाए, या जहाँ पे n का वैल्यू l से क्या हो जाए स्मॉल हो जाए, तो ऐसा कोई भी सब सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा इफ n आर इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू l और n इज लेस देन l, देन नो सच टाइप ऑफ सबसेल इज पॉसिबल, नो सच टाइप ऑफ सबसेल इज पॉसिबल, ऐसा किसी भी टाइप का सबसेल पॉसिबल नहीं है बेटा। इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद सभी लोग इसको नोट करो फटाफट। तो आपके पास ये सब बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो आपको फटाफट देखना है डीके सर के साथ, और उसको आप सभी लोगों को नोट करते हुए चलना है कि भाई सबसेल क्या है, कैसे सबसेल का प्रेजेंटेशन हो रहा है, कैसे सर क्वेश्चंस को बता रहे हैं। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, Which of the following cannot possible? So first option दिया गया 2p, second option दिया गया b, आपके पास दिया गया बेटा 3f है ना, c option दिया गया आपके पास 4g, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया
नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया 2D, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया ई 3F। नेक्स्ट क्या दिया गया 3F। नेक्स्ट बेटा आपके पास F मतलब नेक्स्ट नंबर है चरण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। F वाला ऑप्शन कौन सा दिया गया आपके पास, चलो इसको देते हैं 3S, ठीक है ना। जी ऑप्शन कौन सा दिया गया, नेक्स्ट आपके पास दे देता हूँ चलो 4P, ठीक है ना। एच नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा दिया गया, तो आपके पास दिया गया यहाँ पे चलो कौन सा लिखते हैं 6D। और नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा दिया गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 7P। अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो वही पॉसिबल नहीं होगा जहाँ पे n इज इक्वल टू l हो जाए या n इज लेस देन l हो जाए। चलो यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है और l का वैल्यू, यहाँ पे भी n का वैल्यू और l का वैल्यू, यहाँ पे भी n का वैल्यू और l का वैल्यू, ठीक है ना। सभी जगह हमें n का वैल्यू और किसका l का वैल्यू, यहाँ पे भी n का वैल्यू और किसका l का वैल्यू, ठीक है ना। चलो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2, l का वैल्यू क्या दिया है 1। ध्यान से देखो क्या यहाँ पे n ग्रेटर देन l है बेटा, यस। क्या यहाँ पे n और l इक्वल नहीं है बेटा, यस। मतलब ये एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे n इज इक्वल टू l हो जाए या n इज लेस देन l हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखना n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, l का वैल्यू कितना है बेटा 3। क्या दोनों इक्वल हो चुके हैं, यस। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, n हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, n ग्रेटर है तभी पॉसिबल है, अगर n स्मॉल है तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, l का वैल्यू कितना है 4, है ना। एस पी डी एफ जी, क्या ये एग्जिस्ट करेगा बेटा, नहीं, क्योंकि n और l क्या हो चुका है इक्वल। यहाँ पे n का वैल्यू पूछा जाए तो आप बताओ n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 2 और l का वैल्यू कितना दिया है 2, क्या ये पॉसिबल है बेटा, नो पॉसिबल। यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ देख के बताओ 3, l का वैल्यू कितना दिया है 3, तो क्या ये पॉसिबल है बेटा, नो पॉसिबल। यहाँ पे लिखा हुआ तो ऑप्शन रिपीट हुआ, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है, l का वैल्यू, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, पॉसिबल है क्या, यस। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो n का वैल्यू कितना दिया है 4, l का वैल्यू कितना दिया है 1, पॉसिबल है क्या, यस। यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना दिया है 6, l का वैल्यू कितना दिया है 2, पॉसिबल है क्या, यस। यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है 7, l का वैल्यू कितना दिया है बेटा यहाँ पे 1, पॉसिबल है क्या, यस। तो जहाँ पे n और l इक्वल हो जाएगा वैसा कभी भी सेल पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे n का वैल्यू लेस हो जाए वैसा भी कभी भी सेल पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको देख लो, है ना, और वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। आपको मालूम है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हो। तो आज की क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का एजीमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट किया। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू n माइनस वन मतलब n से छोटा होना चाहिए, 0 तक लेके जाना है। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f, 4 है तो g, है ना। अगर आपको सबसेल में ऑर्बिटल्स बताना है तो फॉर्मूला क्या होगा 2l+1। अगर सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स बताना है तो फॉर्मूला क्या होगा 2 × 2l+1, है ना। क्या n कभी भी l के इक्वल हो सकता है, नहीं। क्या l कभी भी n से ग्रेटर हो सकता है बेटा, नहीं। जब सबसेल हम बनाएंगे तो नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, n को, और जो सबसेल लिखा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ l को। l0 मतलब s, L1 का मतलब P, L2 का मतलब D, L3 का मतलब F, L4 का मतलब G। S में कितने ऑर्बिटल्स बनाए थे हमने 1, P में कितने थे 3, D में 5, F में कितने थे 7, G में कितने थे आपके पास 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S कितना था 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स P कितना था 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स D कितना था 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F कितना था 14, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था G। सो आज तक यहाँ तक बात हुई बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।